छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग दौरे पर ग्राम अंडा पहुंचे। इस दौरान रमन सिंह ने ग्राम अंडा के धान खरीदी केंद्र पहुंचकर बारिश में हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग जिले के ग्राम अंडा पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद भाजपाइयों ने उनका जोशीला स्वागत किया। अपने दौरे पर ग्राम अंडा पहुंचे रमन सिंह ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और कहा कि पूरे प्रदेश में 900 करोड़ के धान का नुकसान हुआ है, जो किसानों और देश का नुकसान है। पिछले 3 वर्षों में 4000 करोड़ के नुकसान की बात उन्होंने कही और कहा कि इस राशि से धान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था अगर कर ली जाती तो बेहतर होता। अब तक कैप कवर की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, किसानों को भी बड़ा नुकसान होने की बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि बारिश होने से खड़ी फसल का भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि तत्काल सर्वे करवाकर मुआवजा के वितरण का भी कार्य किया जाए। शासन की विफलता रही, पूर्वानुमान कमी रही कि दिसंबर में बारिश होती है। महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान पर उन्होंने कालीचरण की गिरफ्तारी पर कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, किसी भी धार्मिक नेता साधु संत को महात्मा गांधी के लिए अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से मीडिया के माध्यम से प्रश्न किया कि पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम पर गलत टिप्पणी करने वालों पर कब कानूनी शिकंजा कसेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने धर्म सांसद आयोजन पर भी प्रश्न उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले नए वर्ष आने वाले नए वर्ष की आप सभी को पत्रकार मित्रों को दुर्ग भिलाई और छत्तीसगढ़ वासियों को भी ओर से शुभकामनाएं। जो स्थिति आज बनी हुई है, लगातार बारिश का बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ की सरकार को और ये राष्ट्रीय क्षति, मैं इसको मानता हूँ कि लगातार अव्यवस्था का आलम पूरे छत्तीसगढ़ के 2000 से ऊपर 380 सोसाइटी में है। धान आ गया है सोसाइटी में और उनको वितरण केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था भी नहीं। तीन तरह से सरकार की असफलता इसमें दिख रही है। पहला तो जो धान खरीद लिया उसको सुरक्षित रखने के लिए कैप कवर की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इमीडिएट या तो उसकी परिवहन हो जाए वितरण केंद्र से संग्रहण केंद्र में, और संग्रहण केंद्र नहीं ले जा सकते तो डायरेक्ट व्हीलर्स तक ले जाने की व्यवस्था। तीसरा, पानी की निकासी की व्यवस्था में असफल रही है। सरकार के जो अनुमान जो लगा रहे हैं और करीब करीब 900 करोड़ से ज़्यादा के लागत का धान खराब हुआ और पिछले 3 सालों में 4 सालों में 4000 करोड़ का नुकसान हुआ, और उसकी वजह यही है कि उसको धान को सुरक्षित रखने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म बनने चाहिए, जो कैप कवर की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको करने में सरकार असफल रही है। 4000 करोड़ का नुकसान, यदि इसी नुकसान को खर्चे में बदल दिया जाता तो कम से कम हजारों गोडाउन की व्यवस्था हो जाती जिसमें धान को सुरक्षित रखा जा सकता। कैप कवर तो मैंडेटरी प्रोविजन है, ये धान खरीदी के साथ शुरू होता है। बोरे और कैप कवर ये दोनों सबको मालूम है कि दिसंबर में बारिश होती ही है, आज के नहीं 200 साल से होती, कभी कम होती कभी ज़्यादा होती। तो ये तो सरकार की चूक और असफलता है कि अपने धान को ढकने की व्यवस्था नहीं की। अब धान की स्थिति ये है कि किसानों का एक नुकसान हो रहा है, जो धान अभी भी खलिहान में या उनके घर में रखा हुआ है वो लगातार भींग रहा है, जहाँ खरीदी की व्यवस्था नहीं। 50 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है, इसका मतलब है 55 लाख मीट्रिक टन अभी खरीदी होना बाकी है, मगर उसके बाद भी पूरी सोसाइटी पूरी तरीके से धान खरीदी केंद्र है पैक हो चुके हैं और पूरी व्यवस्था में सरकार की असफलता इसलिए मैं मानता हूँ कि पूर्वानुमान की कमी रही। और जिस प्रकार काल सभी जिलों में और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले इससे प्रभावित हैं कंप्लीट, और ये हमको कुछ देना ही नहीं है, राजस्व के मैनुअल के आधार पर और बीसी के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये यहाँ पड़ा रहता है, वही पैसा उनको देना है। इनका काम तो ये है कि इमीडिएट सर्वे कराएं, सर्वे करा के मैनुअल के आधार पर पैसे का। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।